नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खून चूसने वाले पैरासाइट्स यानी हुक वर्म के बारे में। दोस्तों, हुक वर्म इन्फेक्शन जो है बच्चों को और ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को ज़्यादा होता है, इसका खतरा उन्हें ज़्यादा रहता है। आइए जानते हैं दोस्तों कि यह क्या होता है। यह एक ऐसा इन्फेक्शन है जो छोटी आंत में होता है। जैसे कि इसका लार्वा त्वचा के संपर्क में आता है, त्वचा पर लाल चकते और खुजली होना शुरू हो जाती है। यह लार्वा धीरे धीरे छोटी आंत तक पहुंचता है और फिर शरीर में कई प्रकार के इसके लक्षण नज़र आने लगते हैं। इस इन्फेक्शन से शरीर में आयरन की कमी होने लगती है, जिससे कि एनीमिया रोग भी बढ़ जाता है। इसके अलावा भी हुकवर्म इन्फेक्शन होने के कई और भी लक्षण नज़र आते हैं। वैसे तो यह समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर छोटे बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में यह समस्या होती है। इसका लार्वा शरीर में तब तक रहता है जब तक यह मल से बाहर नहीं निकल जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हुक वर्म के लक्षण क्या होते हैं। हुक वर्म इन्फेक्शन होने पर शरीर में कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। इसमें पेट दर्द और खांसी होना एक सामान्य समस्या है, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हैं और आयरन रिच डाइट आप लेते हैं, तो हो सकता है आपको यह लक्षण नज़र नहीं आए। दोस्तों, इसके अलावा पेट में दर्द और उल्टी होना, भूख नहीं लगना, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होना, वजन का कम होना, दिन में थकान महसूस होना, खांसी और बुखार होना, सांस फूलना और श्वसन संबंधी अन्य समस्याएं, शरीर में इचिंग, रेशेज और दाने निकलना, आंतों में ऐठन होना, ये कुछ सामान्य समस्याएं हैं जो कि आपको नज़र आ सकती हैं यदि आपको हुक वर्म इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हुक वर्म के कारण क्या हैं, यह क्यों होता है। हुक वर्म इन्फेक्शन किसी भी व्यक्ति को तब होता है जब वह धूल मिट्टी के कणों में पाए जाने वाले जो परजीवी होते हैं किसी इंसान के शरीर में चला जाता है। यह परजीवी इंसान के आंतों में रहते हैं और दूषित मल के माध्यम से फैलते हैं। जब कोई व्यक्ति हुक वर्म लार्वा के संपर्क में आता है, तो यह लार्वा त्वचा से शरीर के अंदर चला जाता है। शरीर के अंदर जाने के बाद यह फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से श्वसन नली के होते हुए छोटी आंत में चला जाता है, जिससे व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। छोटी आंत में आने के बाद यह शरीर में तब तक रहता है जब तक कि इसका लार्वा शरीर से मल के से बाहर नहीं निकल जाता। यह संक्रमण ज़्यादातर गंदगी में रहने और साफ सफाई की कमी के कारण होता है। दोस्तों, इसके अलावा यह संक्रमण पालतू जानवरों से भी फैलता है। हुकवर्म इन्फेक्शन होने के कई अन्य भी कारण होते हैं, जैसे त्वचा का मिट्टी के संपर्क में आने से, चोट लगे नंगे पैरों से चलने पर इसका लार्वा स्किन से होते हुए शरीर में पहुंच जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के मल से मिट्टी को दूषित होना और फिर किसी दूसरे व्यक्ति का मिट्टी के संपर्क में आना, खुले के अंदर सोच जाना, इसके अलावा खाने से पहले सब्जियों और फलों को नहीं धोना, घर में साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखना, ये इसके मुख्य कारण हैं फैलने के। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। दोस्तों, छोटे बच्चों को हुकवर्म इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि वे अक्सर ही नंगे पैर इधर उधर घूमते हैं। कई बार वे खाना भी बिना हाथ धोए खा लेते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ग्रामीण लोगों में यह इन्फेक्शन बढ़ता है, क्योंकि वह खेत में मिट्टी में काम करते हैं और इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हुकवर्म इन्फेक्शन से होने वाले खतरे क्या हैं। दोस्तों, हुकवर्म इन्फेक्शन होने से रोगी में शरीर में खून की कमी हो जाती है, इससे उसमें लगातार कमजोरी आने लगती है और उसके शरीर का वजन कम होने लगता है। व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कणों की संख्या कम हो जाती है, जिसका जो प्रभाव है वह हार्ट पर पड़ता है, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की भी कमी होने लगती है, इससे पेट में फ्लूड्स भर जाता है। इसका असर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके इलाज के दौरान व्यक्ति को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसके शरीर में प्रोटीन और खून की कमी होने लगती है। दोस्तों, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हुकवर्म इन्फेक्शन की जांच कैसे करता है। दोस्तों, उसके लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है। हुकवर्म इन्फेक्शन की जांच करने के लिए सबसे पहले स्टूल टेस्ट किया जाता है।
इसमें हुकवर्म लार्वा की पहचान की जाती है। डॉक्टर माइक्रोस्कोप की मदद से स्टूल में जांच करते हैं, टेस्ट पॉजिटिव आने पर व्यक्ति को परजीवी को मारने की दवा देते हैं। दोस्तों इसके अलावा खून टेस्ट भी किया जाता है। हुकवर्म इन्फेक्शन होने पर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है, इसलिए इसकी जांच करने के लिए खून टेस्ट किया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि हम हुकवर्म से बचाव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हमें फलों और सब्जियों को अच्छे से धोकर खाना चाहिए, क्योंकि इनमें भी हुकवर्म का लार्वा हो सकता है। इसके अलावा खाना खाने से पहले हमेशा हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय हमेशा जूते पहनना चाहिए, सीधे धूल मिट्टी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। नंगे पैर घूमने से बचना चाहिए। इसके अलावा आयरन युक्त भोजन को अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। गार्डन या खेतों में काम करने से पहले खुद को अच्छी तरह से कवर कर लेना चाहिए। हमेशा साफ और ताज़ा पानी पीना चाहिए। खाने को अच्छे से धोकर पकाकर खाना चाहिए। सोच करने के बाद हाथों को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए। दोस्तों यदि फिर भी आपको हुकवर्म इन्फेक्शन होता है और इसके लक्षण यदि आपको नज़र आते हैं तो उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और समय रहते डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। खासकर यह वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।